हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं डॉक्टर रवि अग्रवी, स्टडी आईक्यू के प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपने पहला साइंस एंड टेक्नोलॉजी टारगेट 2018 का वीडियो देख लिया होगा, और अब उस कड़ी में हम लोग दूसरी वीडियोज़ में आते हैं। पहली कड़ी में मैंने आपको सारे वो चैप्टर्स यूनिट्स बता रखे हैं जिन चैप्टर्स और यूनिट्स से यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पिछले 3 सालों के एनालिसिस मैंने वीडियो 1 सीरीज 1 में कर दी है। सीरीज 2 में इन सारे यूनिट्स को लेकर, इन सबको एज अ सेपरेट, एनर्जी, स्पेस, कम्युनिकेशन, बायोटेक, ये सारे चैप्टर्स को, पार्टिकल फिजिक्स, सबको एक एक अलग यूनिट्स के फॉर्म में मैं आपके साथ डिस्क्राइब कर रहा हूँ। पहले तो मैं उन क्वेश्चंस को फोकस कर रहा हूँ जो क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ लिए। पहले मैं उन क्वेश्चन को डिस्कस क्यों कर रहा हूँ, रीजन ये है दोस्तों कि जो क्वेश्चन हमारे पिछले 2010 से 2017 तक जो पिछले 7-8 सालों में क्वेश्चन आए हैं, आप देखो उसके बाद आप ये समझो कि यूपीएससी में क्या लेवल है, यूपीएससी में क्या पैटर्न है, यूपीएससी में किस तरह के क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं और किस तरह की चीज़ों को समझना है। आप में से काफ़ी लोगों ने एनर्जी चैप्टर ढंग से पढ़ा होगा, और अब बात होती है एनालिसिस करने की। उस एनालिसिस में आप कितने खड़े हैं, इस चीज़ों की डिस्कशन मैं वीडियो के साथ करूँगा। साथ ही साथ ये काफ़ी दोस्तों ने मेरे से ये पूछा है कि सर ये सीरीज तो करंट अफेयर्स की। हाँ दोस्तों, ये पूरी सीरीज करंट अफेयर्स की है। करंट अफेयर्स के शुरुआत के सारे चैप्टर्स में, सॉरी शुरुआत के कुछ वीडियोस में, कम से कम 6-7 वीडियोस, जो 6 चैप्टर 7 चैप्टर हैं यूपीएससी के, उन चैप्टर के साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तकरीबन यहाँ आपके 200-250 क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे, और ये वो क्वेश्चंस हैं जो किसी इंस्टीट्यूशन ने, किसी प्राइवेट किसी बंदे ने नहीं बनाया है। ये क्वेश्चन आपके आपके यूपीएससी एग्जामिनर ने बनाया है, और आपको यूपीएससी में समझने के लिए मदद करेगा। आपका लेवल क्या होना चाहिए, आपको किस तरह की चीज़ें पढ़नी चाहिए, आपको क्या फॉलो करना चाहिए, ये चीज़ें आपको समझा देंगी। और अगर इन चीज़ों को देखने के बाद आप में लगता है कि आपकी ये चीज़ें पूरी नहीं हैं, तो अभी भी आपके पास 3 महीने 3.5 महीने टाइम है। आप मेरे पेनड्राइव कोर्सेज को ले सकते हैं, और साथ साथ इन कम से कम जो भी 30-40 वीडियोज़ इधर मैं बना रहा हूँ, जहाँ मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को भी डिस्कस करने वाला हूँ, साथ में इस वीडियोज़ की सीरीज़ में दोस्तों आप इस सीरीज़ को पकड़े रहें। और बेहतर होगा कि आप मेरी सीरीज 1 के साथ बाद में सीरीज 2 पर आते हैं, और इसी सीरीज़ में, इसी ऑर्डर में वीडियो सुनते हैं। यहाँ मैं पूरे करंट अफेयर्स के डिस्कशन करूँगा। साइंस रिपोर्टर जितने भी हैं, इंपॉर्टेंट हैं, सारे साइंस रिपोर्टर मैं लाऊंगा। और इस 2018 की सीरीज़ में मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपकी सफलता में स्टडी आईक्यू का प्लेटफॉर्म, यानी मैं स्टडी आईक्यू के साथ एसोसिएट होकर डॉक्टर रवि अग्रवी, आपकी पूरी तरह से मदद कर सकूँ। फाइन, गॉड ब्लेस यू दोस्तों। आगे बढ़ते हैं इस कड़ी में। नेक्स्ट चैप्टर में हम आते हैं एनर्जी, और इसकी पूरी एनालिसिस करते हैं दोस्तों। इन एनालिसिस पर जाने के पहले, जैसा कि हमारा अपना एक रूल है, मैं आपको बता देना चाहूँगा इन सारे वीडियोस में जिन चीज़ों के एनालिसिस हम करने जा रहे हैं, इनके सारे कोर्सेज पेनड्राइव कोर्सेज में अवेलेबल हैं। अगर आपकी कोई प्रिपरेशन किसी तरह की कमी दिखती है, तो आप घर बैठे इन पेनड्राइव कोर्सेज को ले सकते हैं। मुझे आप घर के अंदर, अपने घर में बैठ कर फ्री टाइम में सुन सकते हैं, और ये सारे क्वेश्चन के एनालिसिस, इसके डिस्कशंस आप घर बैठे पा सकते हैं। तो स्टडी आईक्यू ने ये पेनड्राइव कोर्सेज लॉन्च कर दिया है, काफ़ी दिन से अवेलेबल है। मेरे कम से कम 70-75 वीडियोज़ ऐसे हैं जो साइंस एंड टेक से जुड़े हुए हैं, जो आज के मॉडर्न क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन यहाँ दिए हुए हैं। इन दिए गए नंबरों पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपनी प्रिपरेशंस में किसी तरह की कमी देखते हैं, तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि इस समय दिल्ली आकर इन चीज़ों को करना या कोचिंग ज्वाइन करना, समय के अंदर चीज़ें ख़त्म करना, ये बहुत ही मुश्किल होता है। फाइन, फिलहाल उम्मीद करता हूँ सब कुछ अच्छा होगा। सो यूनिट 1 एनर्जी में आते हैं, फिर वही डिस्कशन करते हैं जो हमने पहले सीरीज के पहले वीडियोस में किया हुआ है। हाउ टू रीड, व्हाट टू रीड, सो क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, इस एनर्जी में इन चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। इस पर जाने के पहले मैं आपको बता दूं, जो एनर्जी के लेक्चर हैं उसमें जो लेक्चर्स स्टडी आईक्यू पर पेनड्राइव कोर्स में अवेलेबल हैं, उनमें मैंने पूरे के पूरे एनर्जी को इन कई पार्ट्स में तोड़ रखा है, जिसमें लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5, लेक्चर 6, ये सारे लेक्चर्स दिए हुए हैं। लेक्चर 1 में जहाँ इंस्टीट्यूशनल सेटअप के बारे में आपको जानना चाहिए, डिफरेंट तरह के इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया में एनर्जी सेक्टर के लिए काम करते हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, न्यू रिन्यूएबल एनर्जी, इसको आप MNRE कहते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। अभी क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा जहाँ यूपीएससी ने खुद ही पूछा हुआ 12-13 में, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी पर, जिसको IREDA बोलते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें ही आपके पेपर में, जब मैं क्वेश्चन एनालिसिस करने वाला हूँ, तो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। साथ ही रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज क्या होते हैं, डिफरेंट तरह के फ्यूल जो हम यूज़ करते हैं, सॉलिड नेचर ऑफ फ्यूल, लिक्विड नेचर ऑफ फ्यूल,
और गैसियस नेचर ऑफ फ्यूल भी हमें जानना जरूरी है। यहाँ पर कुछ मेजरमेंट्स, जैसे अगर हम पेट्रोल और डीजल की क्वालिटी या ग्रेडिंग की बात करते हैं तो उन्हें ऑक्टेन नंबर और सीटेन नंबर से डिनोट करते हैं। जैसे आप पेट्रोल पंप पे जब पेट्रोल भराने जाते हो तो कोई भी पेट्रोल पंप एडवर्टाइज करता है, मैं आपको ऑक्टेन नंबर 83 वाला पेट्रोल दे रहा हूँ। यानी एटलीस्ट यहाँ पर पेट्रोल पंप जो मालिक होता है वो ये बताने की कोशिश करता है कि हमारी जो पेट्रोल की ग्रेडिंग है वो ज़्यादा अच्छी है। इसके अलावा नॉकिंग के बारे में जानना है। नॉकिंग जो साउंड्स होते हैं गाड़ियों में, अगर नॉकिंग ज़्यादा होता है तो जो क्वालिटी होती है फ्यूल की वो अच्छी नहीं होती है, यानी उसका ऑक्टेन नंबर जो होता है अच्छा नहीं होता है। तो अच्छा ऑक्टेन नंबर बनाने के लिए उसमें कुछ ना कुछ किसी एंटी नॉकिंग सब्सटेंस को मिलाते हैं। इसी 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 आधार पर देखो आपको मार्केट में जो पेट्रोल डीजल मिलते हैं, एक्स्ट्रा माइल, एक्स्ट्रा प्रीमियम, सुपर डीजल, है ना, ऐसे कर करके फ्यूल दिए जाते हैं जहाँ उसकी कैपेसिटी और बढ़ जाती है। लेक्चर 2 में मैंने इन चीज़ों को डिस्कस किया है कि नेचुरल गैसेस क्या हैं, जिनमें CNG, PNG, LNG टाइप की गैसेस डिस्कस किए हैं, बायोगैस प्लांट्स, गैस हाइड्रेट्स, सेल गैस जो कि कई बार 2-3 बार क्वेश्चन रहा है, अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ, क्लस्टर बीन, साथ में पाइप नेचुरल गैस और लिक्विफाइड नेचुरल गैस। लिक्विफाइड नेचुरल गैस बहुत पहले 2006-07 में भी UPSC ने क्वेश्चन में पूछ लिया है, जहाँ बहुत सारे लिक्विफाइड नेचुरल गैस के जो LNG टर्मिनल्स हैं जो भारत में बनाए हुए हैं, जैसे दाभोल है, हजीरा है, इस तरह गुजरात में, महाराष्ट्र में, इस तरह कई सारे LNG टर्मिनल्स हैं, इससे भी क्वेश्चन UPSC ने पूछ लिए हैं। लेक्चर 3 जो क्लासेस हैं इनमें आपको सोलर एनर्जी पे किस तरह के डिस्कशन है क्वेश्चन पेपर में दिखाता हूँ दोस्तों, जहाँ फोटोवोल्टाइक पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जहाँ सोलर थर्मल पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, साथ ही साथ आप इंटरनेशनल सोलर अलायंस देखो, 2016 में UPSC ने ISA पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, साथ ही जो भारत सरकार के अपने मिशन हैं सोलर एनर्जी को बूस्टअप करने के लिए, जवाहरलाल नेहरू सोलर एनर्जी मिशन, जो आज 20,000 मेगावाट की कैपेसिटी को हमने 1,00,000 मेगावाट कैपेसिटी को टारगेट रखा है भारत में सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाने का, इंटरनेशनल सोलर लाइन्स जो इंटरनेशनल लेवल पर सोलर एनर्जी को बूस्टअप करने की कोशिश की जा रही है, विंड एनर्जी, साथ में हाइड्रोलिक पावर प्लांट, बैटरी और फ्यूल सेल, और साथ साथ माइक्रोबियल फ्यूल सेल। फ्यूल सेल, माइक्रोबियल फ्यूल सेल पे भी 2012 और 2015 में UPSC ने क्वेश्चन बनाए हुए हैं। लेक्चर 4 में जो कोर्सेज हैं उसमें बायोमास गैसिफिकेशन के बारे में बात हुई है, 2012 में क्वेश्चन रहा है, बायोचार क्या होता है, सिन गैस, बायोफ्यूल, इसकी जनरेशन, साथ में ब्यूरो ऑफ एनर्जी स्टैंडर्ड्स जिसको BES कहते हैं, जिसमें स्टार रेटिंग वगैरह की बात होती है, साथ ही साथ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिफरेंट न्यूक्लियर एनर्जी के उसके बेसिक्स, उसमें न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन पे कॉन्सेप्ट्स, जो भारत का जो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम है, जो 3-स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है जो भाभा ने बनाया था उसके बारे में, अभी इसी साल 2017 के मेंस में देखो तो फास्ट बीटर रिएक्टर पे क्वेश्चन पूछा गया है, फास्ट बीटर रिएक्टर इसके इंपॉर्टेंस पर, जहां इंडिया में थोरियम के यूजेस की बात हुई है। साथ ही साथ इसमें अगले टॉपिक्स पे जाओ तो आप मॉडरेटर्स, कंट्रोल रॉड्स, कूलेंट्स जो यूज़ किए जाते हैं। लेक्चर 6 में आते हैं, यहाँ UPSC ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, जहाँ पर इस क्वेश्चन में UPSC ने पूछा हुआ है कि या आपको जो जानने हैं और जो लेक्चर में डिफाइन है, रिएक्टर्स जो रिएक्टर्स के अंदर हम न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करने के लिए, दुनिया में जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं कहाँ कहाँ हैं, कहाँ कहाँ वर्किंग है इंडिया में भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स, जैतापुर न्यूक्लियर प्लांट जो दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन प्लांट होगा वो भारत में ही सेटअप हो रहा है उसके बारे में, साथ साथ कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट जिसको लेकर इशू हुआ है, APJ कलाम ने भी इसके फेवर में काफ़ी बात बोली है, न्यूक्लियर एनर्जी का जो भारत का डेटा है साथ में विश्व के साथ क्या क्या है, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर के बारे में, जो न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंट है, न्यूक्लियर विंटर, न्यूक्लियर मेडिसिन। आए दोस्तों, इसके अलावा लेक्चर 7 जो पेनड्राइव कोर्सेज में आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे न्यूक्लियर डिप्लोमेसी के बारे में बात है, साथ ही साथ डिफरेंट इश्यूज जो कंसर्न में है, आजकल जो चीज़ें बहुत न्यूज़ में रहती हैं, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी एडिशनल प्रोटोकॉल, NPT, NSC, MMTCR, वेस्टर्न एग्रीमेंट, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप जो इंडिया भी मेंबर हो गया इनका, जो हाल ही में न्यूज़ में रहा है। लेक्चर 8 में आपको डिफरेंट तरह के एनर्जी प्रोग्राम्स मिल जाएंगे, जहाँ UPSC ने खूब क्वेश्चन पूछे हैं, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन क्या है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन पॉलिसी जो इंडिया में बनाएगी, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, जो पीछे की योजनाएं हैं, स्कीम है गवर्नमेंट की। आप बिल्कुल मत सोचिएगा कि साइंस एंड टेक में सिर्फ साइंस एंड टेक ही आता है, ये गलतफहमी है, क्योंकि क्वेश्चन सीरीज चलने पे आपको ये सारी चीज़ें अनुभव हो जाएंगी कि आपके एग्जाम में UPSC ने उदय भी पूछा है, उजाला भी पूछा है, उज्ज्वला भी पूछा है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जो अभी BJP गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट प्रेजेंट गवर्नमेंट है जो लेकर आई है, रूरल फेडरल सेग्रेशन जो कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंदर एक कॉन्सेप्ट है, साथ ही इसमें उदय पर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 2016 में, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, साथ साथ उज्जाला उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल LED फॉर ऑल, ये स्कीम भी है जिसमें क्वेश्चन 2016 के मेन से भी पूछे गए हैं। आज भारत में हाइड्रोकार्बन की जो एक्सप्लोरेंस पॉलिसी है वो हेल्प यूज में लाई जा रही है, तो नील की जगह हम हेल्प आपको आज लेकर आ रहे हैं, तो किस तरह से लाइसेंसिंग है जो हाइड्रोकार्बन के लिए दी जाएगी, जो उसके एक्सप्लोरेशन के लिए डिफरेंट कंपनीज काम करती हैं,
ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, स्टार लेवलिंग और साथ साथ नेट मैटरिंग के बारे में जो बात होती है। तो ये वो लेक्चर्स हैं दोस्तों जो पेनड्राइव कोर्सेज में हैं। छोड़िए, इनके अलावा आगे बढ़ते हैं, अब हम काम की बात पर आते हैं। काम की बात में जो क्वेश्चंस मैं आपको डिफाइन करने जा रहा हूँ, यहाँ मैं आपको बोलूँगा अगर आपके पास इन टॉपिक्स से रिलेटेड अगर कोई मटेरियल नहीं है तो आप मेरे रेफरेंस बुक को लीजिए और यहाँ पे चैप्टर 5 में जो चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एनर्जी डेवलपमेंट इन इंडिया, रिनेबल एंड नॉन रिनेबल एनर्जी, इसमें ये सारे इन्फॉर्मेशन, सारे क्वेश्चंस आपको हूबहू मिल जाएंगे, उससे सारे कंटेंट्स भी मिल जाएंगे। तो आप इस बुक को फॉलो कीजिए और ये कंटेंट है, ये एक बुक है और पूरी तरह से ये आपको इन सारे क्वेश्चंस को समझाने में मदद करेगी। आइए दोस्तों 2017 के क्वेश्चन पर आते हैं। पहले यहाँ 2017 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है जो एलगी बेस्ड बायोफ्यूल होते हैं फाइन किसी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए कैसे एक अच्छी इंडस्ट्री के फॉर्म में प्रमोट करते हैं। तो यहाँ यूपीएससी पहला कह रहा है कि एलगी बेस्ड जो बायोफ्यूल होते हैं वो सिर्फ है ना ओशन वगैरह में ही होते हैं, ये कॉन्टिनेंट्स में नहीं पाए जाते हैं। पॉसिबल इन नियर ओनली, नो ओशन ओनली, है ना, इन ओशन ओनली बट नॉट इन द कॉन्टिनेंट। गलत है दोस्तों, एलगी जो होते हैं वो कॉन्टिनेंट में भी होते हैं, यानी फ्रेश वाटर में भी होते हैं और ओशन में भी होते हैं। तो ये स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है। ये एलगी बेस्ड बायोडीजल को मैंने थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल के अंदर पढ़ाया हुआ है। फाइन, पेनड्राइव कोर्सेज में भी मिल जाएगा, ये बुक्स में भी है, तो इसको आप देखें। इसके अलावा इसमें कह रहे हैं कि जो एलगी से जो डीजल बनाते हैं, जो बायोडीजल बनाते हैं बायोफ्यूल के फॉर्म में, थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल में, इसमें बहुत ही एक्सपर्टाइज टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है इसके निर्माण करने में, लेकिन हम वो टेक्नोलॉजी यूज़ कर लेते हैं, बना लेते हैं। ये बात पूरी तरह से सही है, ये मैंने बताया हुआ। ट्रांस एस्टरीफिकेशन एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो एलगी के जो लिपिड सब्सटेंस होते हैं, जो एलगी से लिपिड्स निकलते हैं, उसकी मदद से हम उसे बायोडीजल में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन ये प्रोसेस बड़ा ही डिफिकल्ट प्रोसेस होता है, लेकिन एटलीस्ट भी हम चीजों को कर लेते हैं। फाइन, इवन मेरे डिपार्टमेंट में मेरे कॉलीग हैं जो सेंटर फॉर रूरल एनर्जी डेवलपमेंट में काम करते हैं आईआईटी दिल्ली में ब्लॉक 3 में, उनमें से काफी ऐसे मेरे मित्र हैं, दोस्त हैं जो इस पर काम भी कर रहे हैं एलगी पे। जैसे कुछ ब्रायोकाकस साइकाइटियम करके ऐसे एलगी होते हैं, करीब 70% में लिपिड्स पाए जाते हैं और उनको ट्रांस एस्टरीफिकेशन करके आराम से इनसे हम डीजल बनाते हैं। आजकल भारत में इससे बहुत काम चल रहा है, तो 17 में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसको दुनिया में थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल के नाम से भी जानते हैं। इकोनॉमिकली वायबल है ना, और इकोलॉजिकली और सोशल कंसर्न में काफ़ी, हाँ ठीक है, बिल्कुल इकोनॉमिकली वायबल है, क्योंकि एलगी बेसिस पर अगर हम देखें तो डीजल के प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे जट्रोफा वगैरह को देखो तो आप वहाँ के, ऐसा कहते हैं कि एक हेक्टेयर एरियाज में अगर हम जट्रोफा लगा दें और एक हेक्टेयर एरियाज में हम एल्गा को ग्रो करा दें, तो एल्गा से जो बैड डीजल मिलते हैं कहते हैं तकरीबन 30 times से 100 times तक मिलते हैं। यानी कहने का मतलब ये चीज़ भी सही, इकोनॉमिकली अच्छा होगा, और ये सेकंड थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। यानी पहला स्टेटमेंट ये गलत है क्योंकि एलगी हर जगह पाए जाते हैं। तो यहाँ आंसर जो होगा दोस्तों वो बी होगा। 2017 में थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल पे क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो 2016 में पूछा गया कि इंडिया में सेल गैस रिजर्व्स कहाँ कहाँ हैं। तो अकॉर्डिंग टू MoPNG, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस, इंडिया में 6 रिजर्व्स हैं जो बायो डीजल के, मतलब सेल गैस के ढूंढे गए हैं। फाइन, उनमें कैम्बे बेसिन भी है, कावेरी बेसिन भी है, कृष्णा गोदावरी भी है, इसके साथ इसके अलावा कावेरी भी है, कावेरी के अलावा आपका इंडो गंगेटिक प्लेन है, इसके अलावा गोंडवाना भी है। इस तरह करते करते दोस्तों टोटल 6 ऐसे एरियाज हैं अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस जो आइडेंटिफाई किए गए हैं। तो यहाँ तीनों ऑप्शन सही दिए हुए हैं। तीसरा क्वेश्चन जो यूपीएससी पूछ रहा है कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी स्टार लेवलिंग किन किन अप्लाइंसेस के लिए दिया जाता है 2016 के प्रीलिम्स में। तो दोस्तों यहाँ कम से कम 20-21 ऐसे अप्लाइंसेस हैं जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के अंदर स्टार लेवलिंग दी जाती है। आप घरों में देखो, आपके पास एसी होती है कि नहीं होती है? होती है। एसी में देखो स्टार लेवलिंग होती है, 2 star, 3 star, 4 star, आप उसी हिसाब से आप एसी लेकर आते हो ना इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंसी के लिए। ये भी एक तरह से मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी जो है ना, उसी ने एफिशिएंसी वगैरह जो है, इसी मिनिस्ट्री ने जो हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए, मतलब प्रोडक्शन और उसके जनरेशन के लिए काम कर दिए, वही 2006 के आसपास इन चीज़ों को लेकर आई है। फाइन, तो ये सीलिंग फैन के लिए भी होता है, इलेक्ट्रिक गीजर के लिए भी होता है, और ट्यूबुलर फोर्सन स्लैब के लिए, इतना ही नहीं जनरेटर्स के लिए होता है, फिर आपका टेलीविज़न के लिए होता है। मतलब 20-21 चीज़ें ऐसी हैं जो मैंशन की गई हैं जहाँ पर स्टार लेवलिंग दी जाती है। फाइन, अगला क्वेश्चन 2016 में यूपीएससी पूछ रहा है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो 2015 में लाया गया। तो बात पूरी तरह से सही है दोस्तों, पेरिस कन्वेंशन हो रहा था, तो पेरिस कन्वेंशन में इसके लिए बात हुई थी और जहां पर सोलर एनर्जी को बूस्टअप करने की बात की गई थी। और डेफिनेटली अगर आप जानते हैं, अगर हम सोलर एनर्जी को बूस्टअप करते हैं तो कोल को कम से कम जलाते हैं, तो कोल को कम से कम जलाते हैं तो पॉल्यूशन कम से कम होता है। ये कोल वाला भी क्वेश्चन यूपीएससी ने 2011 में पूछा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन मैं आपको इन्वायरमेंट में बताऊंगा। फाइन, कि बर्निंग ऑफ कोल से कौन कौन से पॉल्यूशन होते हैं, वहाँ पे CO2 भी ऑप्शन में था, नॉक्सिस भी ऑप्शन में था, और SO2 भी ऑप्शन में था। तो सोचो कोल के जलने से कितने सारे गैसेस निकलते हैं, जिसमें CO2 नॉक्सिस को तो हम ग्लोबल वार्मिंग गैस भी कहते हैं। तो डेफिनेटली अगर कोल की जगह हम सोलर एनर्जी को यूज़ करते हैं तो क्या होने वाला है,
डेफिनेटली बर्निंग ऑफ कोल कम कम हो जाएगा, तो पॉल्यूशन कम हो जाएगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट को हम कम कर लेंगे। तो ये भी एक अल्टरनेटिव मेथड है। तो इसके लिए पेरिस कन्वेंशन में जो UNFCCC की 21वीं मीटिंग बोली जाती है COP21, उसमें ये लाया गया है। और वो अलग बात है कि बूस्टअप हुआ है 2016 में, यानी अगले साल जाकर मराकेश में COP22 पे। और इसमें करीब 30 डिग्री नॉर्थ से जो 30 डिग्री साउथ के जो कंट्री होते हैं जो ग्लोब पर पाए जाते हैं, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन के बीच, इनमें सोलर इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो ये कंट्री जो है इनके मेंबर कंट्रीज हैं, ना कि सारे लेकिन मैक्सिमम। टोटल अभी तक का जो न्यूज है दोस्तों, करीब 121 नेशन ऐसे हैं जो कि इसके मेंबर नेशन हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि इसके यूएन के सारे मेंबर नेशन हैं, नहीं, ये गलत है। 121 यूएन में तो करीबन 200 के आसपास राष्ट्र हैं, नेशन हैं। तो अभी पहला स्टेटमेंट ही है जो पूरी तरह से सही है। ये क्वेश्चन भी यूपीएससी ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस पर 2016 में पूछ दिया। ये क्वेश्चन दोस्तों एक तरह से देखें तो एनर्जी और एनवायरमेंट दोनों का इंटरडिसिप्लिनरी है। तीसरा चौथा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप दोस्तों, उदय के बारे में। उदय जो मैं आपको बोल रहा था, गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाई है। उदय का पूरा नाम है उज्जवल डिस्कम एश्योरेंस योजना। फिलहाल ये नाम ये नहीं लिखा है, मैं आपको बता देता हूँ। ये प्रोग्राम भी जो गवर्नमेंट ने लाया है, ये इसलिए लाया है कि जो कंपनियां हैं जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में काम करती हैं, वो आज काफी लॉस में है, तो उनको एक रिवाइवल पैकेज देने की बात है। इससे बात हुई थी 2015 में 75% जो लॉस है सेंटर ये गवर्नमेंट भरेगी, 2016 में उनके लॉस का 50% भरेगी, और 2017 में तकरीबन 25% लॉस को भरेगी। यहाँ पे पहले साल ये 25% कंपनसेशन खुद अपना देंगे, लॉस पूरा करेंगे, दूसरे साल 50% और तीसरे साल 75%। तो ये वही है कि प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल हेल्प टू रिवाइव द पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज दोज हैविंग अ लॉट ऑफ लॉसेस देयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जहाँ यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है फ्लाई ऐश पर। फिलहाल आजकल फ्लाई ऐश और बायोचार अक्सर न्यूज में रहा है। ये क्वेश्चन भी 2015 में आया हुआ है। बायोचार में के बारे में भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ, बुक को देखना, वहाँ मैंने बताया हुआ है कि बायोमास गैसिफिकेशन के बाद जो उसका रेजिडुअल मटेरियल बचता है सॉलिड मटेरियल, वो बायोचार कहलाता है। फ्लाई ऐश जो होता है वो कोयले वेले के जलने के बाद उड़न राख आप बोल लो, जो ऐश बचते हैं। आजकल इनका ना दोस्तों सीमेंट इंडस्ट्री में बड़ा डिमांड है, क्योंकि इनको मिलाकर जब सीमेंट में यूज करते हैं ना, तो उसे फायर रेजिस्टेंस वॉल बनाते हैं। तो इसीलिए इनको ब्रिक व्रिक बिल्डिंग बनाने में, इनका कंस्ट्रक्शन में इनका यूज बहुत ज्यादा है, एज इनका डिमांड बहुत ज्यादा है। दूसरी तरफ पोर्टलैंड सीमेंट वगैरह जो अच्छा सीमेंट है उसको रिप्लेस कर देगा, ये बात भी सही है, क्योंकि अल्टरनेटिव फॉर्म में एक अच्छा ऑप्शन बन जाएगा फ्लाई ऐश की मदद से जो सीमेंट होगा। तीसरा कह रहा है कि इनमें सिलिकॉन ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड ही केवल होते हैं, नहीं, इनमें और भी चीजें होती हैं, और ये डज नॉट कंटेन एनी टॉक्सिक एलिमेंट, नहीं, ये इसमें टॉक्सिक एलिमेंट भी होते हैं, एक तरह से ये हेल्थ और एनवायरमेंट के नुकसान भी करते हैं। तो यहाँ 1 एंड 2 स्टेटमेंट पूरी तरह से सही है। बात होती है फ्यूल सेल के बारे में। फ्यूल सेल आजकल मॉडर्न तकनीकी में, मॉडर्न यूजर्स में बहुत ज्यादा उपयोगी है। फ्यूल सेल में जनरली हम हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज करते हैं। फ्यूल सेल 15 में आया हुआ है, और फ्यूल सेल के बेस का एक और क्वेश्चन दोस्तों MFC के नाम से माइक्रोबियल फ्यूल सेल भी आ चुका है 2011-12 में। फिलहाल इसके बारे में अभी क्वेश्चन आ रहा है, आगे मैं डिस्कस करूंगा। यहाँ पे हम हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल की तरह यूज करते हैं, फाइन। और यहाँ जो एमिट होता है वो हीट एंड वाटर होता है, बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में, बात सही है। और यहाँ पर फ्यूल सेल में जो हम यूज करते हैं दोस्तों, इसको ना हम स्मॉल और बिग हर तरह के अप्लाइंसेज में यूज कर सकते हैं, लेकिन ये यूपीएससी कह रहा है कि नॉट फॉर द स्मॉल डिवाइसेज जैसे लैपटॉप वगैरह, मैंने ये गलत है, यहाँ हर लेवल पे यूज कर सकते हैं। और फ्यूल सेल और इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है एसी के फॉर्म में तो नहीं दोस्तों, इस चीज को आप देखना, इसको मैंने बुक में भी समझाया हुआ, अपने पेनड्राइव कोर्सेस में भी बताया हुआ है कि हाँ जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, इवन नॉट ओनली फ्यूल सेल, फ्यूल सेल और बैटरी दोनों में, यहाँ करंट डीसी के फॉर्म में होती है, जितने भी बैटरीज होते हैं, और साथ साथ मैं आपको बता दूं फ्यूल सेल में भी करंट डीसी के फॉर्म में होते हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ पे आप देखो तो सिर्फ पहला स्टेटमेंट है जो सही है, जबकि दूसरा और तीसरा गलत है। तो यहाँ आंसर ए होगा। फिलहाल आंसर मैंने बोल्ड कर दिए हैं। ये देखो मैंने आपको बोला, क्या बोला था, गवर्नमेंट 2015 में क्वेश्चन आ रहा है कि इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये इरिडा जो है वो करीब जो ओपन किया गया है, ये सॉफ्ट टर्म लोन वोन प्रोवाइड करता है, एक तरह से नॉन बैंकिंग कंपनी है। जो लोग भी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में बूस्टअप करना चाहते हैं, अपने अपने यहाँ इस तरह की चीज़ें लगाना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट उनमें एक तरह से एक फाइनेंशियल मदद दे दी है। और इसमें पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है, ये प्राइवेट नहीं है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं इरिडा के बारे में, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ यूपीएससी पूछ रहा है 2014 में कि कोलबेड मीथेन और सेल गैस जो होते हैं, फाइन, उनमें किस तरह के कंपैरिजन, किस तरह की डिस्कशंस हैं, मतलब क्या कंपैरिजन है। तो आप यहाँ दोस्तों देख सकते हैं, तो यूपीएससी कह रहा है कोलबेड मीथेन जो होते हैं उनमें से प्योर मीथेन गैस होते हैं जो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं कोल सैम से, और इसके अलावा जो सेल गैस होते हैं उनमें प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं। एकदम गलत है दोस्तों। कोलगेट मीथेन में, कोलगेट में एटलीस्ट मीथेन मेन गैस होता है मैं मानता हूं, लेकिन सिर्फ मीथेन नहीं होता। और सेल गैस में तो मैं प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं दोस्तों, लेकिन प्रोपेन ब्यूटेन के अलावा यहाँ तो मेन गैस मीथेन होते हैं। ओके, तो ये स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है। इंडिया में कह रहा है कि कोलबेड मीथेन सोर्सेस पाए गए हैं,
बट सेल गैस रिसेस नहीं है, गलत है। कोल के अंदर से तो मीथेन हम निकाल ही रहे हैं, और इंडिया में सेल गैस रिजर्व, मैं आपको बता दूं, 2011 के आसपास रिलायंस कंपनी की मदद से भारत में ये सेल गैस रिजर्व ढूंढे गए थे। और अभी ये क्वेश्चन देखो, आपको 2016 में भी दिखा था कि MOPNG के अकॉर्डिंग इंडिया में टोटल 6 हैं जो सेल गैस रिजर्व हैं जो इंडिया में ढूंढे जा चुके हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये दोनों स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यूपीएससी 2014 में पूछ रहा है अबाउट गुआर गम को लेकर, क्लस्टर बीन को लेकर। और दोस्तों जानते हो ये गुआर बीम या गुआर गुआर के नाम से जो गांव में पॉपुलर है, इसका बड़ा डिमांड था पहले। इसको ना एनिमल्स वगैरह भी खाते थे एज अ फॉडर की तरह, चारे की तरह। इसका कल्टीवेशन जो हो रहा था बहुत ज्यादा हो रहा था, आजकल इसका कल्टीवेशन काफी कम हो गया है। राजस्थान में इवन बैंकों ने काफी इसके लिए लोन वगैरह भी दिया था। इसका इंटरनेशनल लेवल पे बड़ा डिमांड था। इसको भी मैंने अपनी बुक में समझाया हुआ है, पेनड्राइव कोर्सेज में भी है ये चीजें, सारी चीजें इसमें मैं बार बार रिपीट करना नहीं चाहता है ना। तो ये सारी चीजें हैं 2014 में जो क्वेश्चन आया हुआ। गुअर गम के बहुत सारे यूजेस होते हैं, जो आइसक्रीम आइसक्रीम में भी हम मिला देते हैं, जो आप सूप पीते हैं, सूप सूप जो टेस्टी होता है, ये थिकनिंग एजेंट के फॉर्म में यूज करते हैं दोस्तों। जो आप वो यूज करते हो, क्या कहते हो, सॉस, जो टोमेटो सॉस जो हम घरों में लाते हैं ना मार्केट से, उसके अंदर भी गुआर गम को, क्योंकि मोटा कर देता है, दूध को मोटा कर देता है। पहले जमाने में आपको पता होगा जब मम्मा वगैरह आइसक्रीम बनाती तो क्या करती, दूध को बॉईल करती थी। दूध मोटा होता था तो दूध टेस्टी हो जाता था, उसमें दूध काफी खोल के उड़ जाता था। तो यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं, आप सूप में, आप दूध में ये चीजें मिला दें, मोटा हो जाएगा और आइसक्रीम आसानी से जमा लें तो टेस्टी भी हो जाएगा। इसका यूज जानते हो इंटरनेशनल लेवल पर इसलिए भी बहुत ज्यादा था डिमांड, क्योंकि इसका यूज दोस्तों सेल गैस के एक्सप्लोरेशन में करते थे। मैंने बताया हुआ सेल गैस एक्सप्लोरेशन में जैसे हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग है, हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग है, इस तरह की टेक्नोलॉजीज हैं जो यूज किए जाते हैं जमीन से इनको निकालने के लिए। वो अलग बात है इंडिया में भी सेल गैस एक्सट्रैक्शन शुरू नहीं हुआ है, फाइन। तो यहाँ पर गुआर गम की जरूरत होती है इसके एक्सट्रैक्शन में, जो प्रोसेस हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग जो करते हैं ना, तो वहां पर इसकी जरूरत होती है, इसलिए इंटरनेशनल लेवल इसका डिमांड था। तो यहाँ बी ऑप्शन सही है कि इसका जो सीड वीड होता है उसको सेल गैस एक्सट्रैक्शन में यूज किया जाता है, फाइन। थिकनिंग वाला क्वेश्चन नहीं पूछा था कि हम इन चीजों को मोटाई करने के लिए आइसक्रीम आइसक्रीम में बनाते हैं। अगला क्वेश्चन यूपीएससी 2014 में पूछ रहा है कि जो मेज होते हैं, मक्का जो होता है, उसके प्रोडक्शन में जो स्टार्च वगैरह होते हैं, ये स्टार्च का प्रोडक्शन करता है, पूरी तरह से सही है। दूसरा कह रहा है कि इसमें से मेज से जो ऑयल निकालते हैं उसको उसके फीड स्टॉक से, है ना, जो मेज का जो एक्सट्रैक्टेड ऑयल एक्सट्रैक्टेड मेज है वो फीड स्टॉक से, एकदम ठीक। जो मक्का होता है उसके जो रेजिडुअल मटेरियल बच जाते हैं उसमें ना सेलुलोज वगैरह होते हैं, और सेलुलोज जो होता है वो सेकेंड जनरेशन के बायोफ्यूल में आता है, उसमें अगर हम थोड़ा सा कुछ माइक्रोबियल एक्टिविटी कर दें तो बायोडीजल में कन्वर्ट हो जाता है, फाइन। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट भी सही है और दूसरा भी सही है, बायोडीजल बनाते हैं। तो मेज का, एक तो मेज से एथेनॉल भी बनता है, वो दूसरा पार्ट है, लेकिन मेज की जो लीव्स होती है ना दोस्तों, उसमें सेलुलोज होते हैं, और सेलुलोज को कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो आसानी से उसको बायोडीजल में कन्वर्ट कर देते हैं। मैंने एक बैक्टीरिया का नाम अपनी बुक में भी बताया, बट इन्हें एक फंगी का नाम बताया, ग्लायोक्लाइडियम रोजियम। ग्लायोक्लाइडियम रोजियम एक ऐसा फंगी है जो, वही क्वेश्चन पूछ रहा है यूपीएससी, है ना, ग्लायोक्लाइडियम रोजियम। बायोफिल्म में आप देखना सेकंड जनरेशन में इस चीज को बताया गया मेरी बुक में, फाइन। तो यहाँ पे ये दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा कह रहा है अल्कोहलिक बेवरेजेस होते हैं वो मेज से बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं, क्योंकि एथेनॉल, अभी मैंने क्या बोला, मेज के जो सीड्स होते हैं उनमें से आप कार्बोहाइड्रेट निकालिए, कार्बोहाइड्रेट में आप फर्मेंटेशन करा दीजिए, है ना, जो कार्बोहाइड्रेट निकल रहे मेज में, क्या कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन करने के बाद वो एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। एथेनॉल मतलब अल्कोहल, एक तरह का अल्कोहल है, साथ में उससे अल्कोहलिक बेवरेजेस बना सकते हैं, बिल्कुल बनाते हैं एथेनॉल वगैरह, इसके अलावा अल्कोहलिक बेवरेजेस भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर 1, 2, 3 तीनों स्टेटमेंट सही होंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो यूपीएससी पूछ रहा है, जहां पर फोटोवोल्टाइक पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फोटोवोल्टाइक एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी को हम सीधा लाइट्स से जनरेट कर सकते हैं, फिलहाल सही बात है ये। और कह रहा है कि सोलर थर्मल वो टेक्नोलॉजी है जहां पर हम सन की लाइट से हीट बनाते हैं और फिर हीट से हम एक तरह से देखो तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, पूरी तरह से सही है दोस्तों। सोलर थर्मल में हम क्या करते हैं, जब हम पानी गर्म करते हैं, जब सोलर वाटर हीटर के अंदर, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये एग्जाम्पल मैंने बताया भी है, तो वहां से स्टीम जनरेट हो जाती है। तो जब स्टीम जनरेट हो जाती है, वही स्टीम तो आपको कोयला गर्म करने के बाद भी होती है, जब आप कोल को बंद करते हैं, तो जो स्टीम जनरेट होती है उस स्टीम से जो प्रेशर बनता है उसकी मदद से आप टर्बाइन को घुमा सकते हैं, फाइन। अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, लेकिन आपको आंख, एक आई ओपनिंग वाला काम तो हो रहा है ना, आंख तो खुल रहा है, यूपीएससी क्या पूछ रहा है। अगर आपकी प्रिपरेशन में चीजों की कमियां हैं तो एटलीस्ट अभी भी आपके पास 3 महीने आप इन चीजों को समझ सकते हैं, फाइन। बता रहा हूँ साइंस टेक और एनवायरमेंट में आपके लिए पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी भी चीजें हैं A to Z यहाँ आपको दिखा दूँ, ताकि 3 महीने के अंदर, और तकरीबन आपके पेपर में 30 क्वेश्चन हैं जो साइंस टेक और एनवायरमेंट को मिलाकर आते हैं, तो उस 30 क्वेश्चन में पूरी कोशिश करूंगा कि 20+ क्वेश्चन आप बना लें, बाकी 70 क्वेश्चन में आप अपना 40 क्वेश्चन का टारगेट देखें।
फाइन, तो ये ठीक है कि यहाँ टर्बाइन घूम जाएगा प्रेशर से और उसकी वजह से यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी आ जाएगी, और यहाँ पे अगर आप डायनमो लगा लो तो डायनमो इंस्ट्रूमेंट होता है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। फाइन, तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि फोटोवोल्टाइक्स में जो करंट होता है वो एसी के फॉर्म होता है। नहीं दोस्तों, फोटोवोल्टाइक सीधा बैटरी से कनेक्ट होता है और बैटरी में हमेशा डीसी करंट होता है। अभी मैं आपको बता रहा था बैटरी और फ्यूल सेल में डीसी होता है, और सोलर थर्मल में जो डायरेक्ट करंट होता है एकदम गलत है, ये स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है। तीसरा कह रहे हैं इंडिया में सोलर थर्मल तो हम बनाते हैं, यानी सोलर वाटर हीटर चीजें बनाते हैं, लेकिन फोटोवोल्टाइक नहीं बनता, पूरी तरह से गलत है। इंडिया में भी फोटोवोल्टाइक बनता है, जो सोलर पैनल आपने रोड साइड देखा ना जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, बनता है। फाइन, लेकिन मैक्सिमम हम ये भी है कि हम दूसरे कंट्रीज से चाइना वाइना से मंगाते हैं क्योंकि हमारा सस्ता पड़ता है। लेकिन अगर ये पूछ रहा है इंडिया में नहीं बनता, तो स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है। यानी यहाँ पे पूरी तरह से पहला स्टेटमेंट ही होगा जो कि सही होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, 13 क्वेश्चन पे। यहाँ यूपीएससी कह रहा है कि शुगर इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट बचता है ना, गन्ने वन्ने का आप जूस पीते हो ना, जूस पीने के बाद जो रेजिडुअल मटेरियल बन जाता है, बच जाता है, उसको क्या बोलते हैं? बैगेज कहते हैं। फाइन, बैगेजेस कहते हैं। ये बैगेज जो होता है कि इसको हम बायोमास, इसके बायोमास को हम फ्यूल जनरेट करने में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये भी जो बैगेजेस होता है ये भी प्लांट मटेरियल होता है, और प्लांट मटेरियल को हम आराम से बायोडीजल बनाने में यूज कर सकते हैं, क्योंकि सेलुलोज वगैरह को यूज कर सकते हैं, तो इनमें भी अच्छा खासा मात्रा में होता है ना, तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है इसके जो मोलासेस होते हैं, फाइन, उन मोलासेस को हम फीड स्टॉक के फॉर्म में कर सकते हैं और उससे फर्टिलाइजर भी बना सकते हैं ना। अच्छा, प्रोडक्शन of synthetic fertilizers. ओके एवरीबॉडी, सो फीड स्टॉक फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक केमिकल फर्टिलाइजर, तो ये चीज भी सही है दोस्तों। यहाँ पे भी हम मोलासेस को यूज कर सकते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक केमिकल फर्टिलाइजर बनाने के लिए, इनके जो मोलासेस होते हैं, ठीक है। तो कुछ जो केमिकल फर्टिलाइजर्स में नेचुरल तरीके भी यूज हो जाएंगे, बायोलॉजिकल तरीके भी, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स भी, है ना। ये केस भी आया है और ये चीज होती है, कंफ्यूज मत करना, क्योंकि सिंथेटिक लिखा तो काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन सिंथेटिक केस भी मोलासेस का यूज होता है। मोलासेस को हम एथेनॉल बनाने के करते, बिल्कुल करते हैं, क्योंकि ये शुगर केन प्रोडक्ट है और शुगर केन प्रोडक्ट्स वगैरह फर्मेंटेशन कर दें आप तो ये एथेनॉल बन जाता है। तो यहाँ भी पूरे के पूरे स्टेटमेंट जो है वो सही होंगे। फाइन, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट है ना, यहाँ पे दो स्टेटमेंट सेम हो गए हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान देना। फाइन, इसमें स्टेटमेंट आप बदल दो, 1 और 3 और फाइन, हाँ आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन कोल, इंडियन कोल के बारे में आपको बता दो। इंडिया में जनरली देखो कोल के 4 ग्रेडिंग होती है। सबसे अच्छा कोल एंथ्रासाइट होता है, उसके बाद बिटुमिनस होता है, ओके, उसके बाद लिग्नाइट होता है, और सबसे घटिया जो होता है वो पीट होता है। सबसे घटिया जो होता है क्या होता है? वो पीट होता है। फाइन, पीट होता है। तो यहाँ एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट में इंडिया में सबसे ज्यादा बिटुमिनस और लिग्नाइट पाए जाते हैं, और सबसे अच्छी किस्म का क्या होता है? एंथ्रासाइट। बिटुमिनस और लिग्नाइट्स में जो कार्बन कंटेंट होते हैं वो एवरेज होते हैं। सबसे ज्यादा कार्बन कंटेंट एंथ्रासाइट में होता है, सबसे कम कार्बन कंटेंट पीट में होता है। जिसमें कार्बन कंटेंट ज्यादा होता है वो फ्यूल बहुत अच्छी तरह से जलता है, तो उससे हीट ज्यादा निकलता है और स्मोक कम निकलता है। तो इंडिया में जो कोल होते हैं बिटुमिनस लिग्नाइट जैसे एवरेज टाइप के होते हैं, तो यहाँ पर हीट कम निकलता है, ठीक है ना। फाइन, यहाँ हीट कम निकलता है, और हीट कम निकलता है, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए इंडियन कोल, ठीक है। एक तो हाई एश कंटेंट होते हैं, हाँ ठीक है, यहाँ हाई एश ज्यादा निकलता है, और दूसरा होता है कि लो सल्फर कंटेंट होता है, ये बात भी पूरी तरह सही सही है, ठीक है, लो सल्फर कंटेंट होता है इंडियन कोल में। फाइन, यहाँ पे ये पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं बायोमास गैसिफिकेशन में। ये बायोमास के जलाने का एक प्रोसेस है, बायोमास गैसिफिकेशन का एक सस्टेनेबल प्रोसेस है। फाइन, सस्टेनेबल प्रोसेस में क्या होता है कि हम बायोमास को एक क्लोज चैम्बर के अंदर जलाते हैं। जैसे बहुत सारे बायोमास ऐसे कोकोनट सेल है, ग्राउंड नट है, राइस हस्क है, इसको हम ओपन जलाएंगे तो उससे पॉल्यूशन होगा। लेकिन बायोमास गैसिफिकेशन जब हम क्लोज चैम्बर के अंदर जलाते हैं, इनसे पॉल्यूशन ना के बराबर होता है। और इसका जो मैथड होता है वो दूसरा मैथड, उसको हम कहते हैं पाइरोलिसिस। इस मेथड को कहते हैं पायरोलिसिस। एनर्जी चैप्टर मैंने पायरोलिसिस को समझाया हुआ है, क्लोज चैम्बर के अंदर कैसे पायरोलिसिस में हम बायोमास को जलाते हैं जिससे पोल्यूशन नहीं होता है। तो एक तो सस्टेनेबल मेथड हुआ, क्योंकि इसमें हम बायोमास को ओपन नहीं जला रहे हैं, क्लोज चैम्बर के अंदर तरीके से जला रहे हैं, तो यहाँ पर पॉल्यूशन नहीं। और यहाँ पर इस तरह के इंडिया में बहुत सारे बायोमासेस हैं जो वेस्टेज, उनको हम यूज कर सकते हैं। दूसरा कह रहा है जो कंबस्टेबल गैसेस हैं जो बायोमास गैसिफिकेशन में निकलते हैं वो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, गलत है दोस्तों। यहाँ मीथेन भी प्रोड्यूस करते हैं, आप देखना। तो यहाँ पर इसके अलावा मीथेन ही ऐसा गैस है जिसको हम यूज करते हैं जलाने के लिए। तीसरा कह रहा है जो कंबस्टेबल गैसेस यहाँ पे जनरेट होता है बायोमास गैसिफिकेशन से, उसको हम हीट जनरेशन के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे कोई कंबस्टन इंजन नहीं चला सकते, एकदम गलत है। उससे हम इंजन भी चला सकते हैं, जो कि मीथेन, और मीथेन अच्छा एनर्जी सोर्सेज है। इसके आप खुद देखो, इंडिया में बहुत सारे ऐसे नेचुरल गैसेस हैं जिनको हम यूज, 6% ऐसा कहते हैं इंडिया में, 6% मीथेन टाइप के गैसेस को भी हम इंडिया में यूज करें इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में।
माइक्रोबियल फ्यूल सेल पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्चुअली बैक्टीरिया को यूज करते हैं कैटलिस्ट के फॉर्म में, एकदम सही है, जो सबस्ट्रेट में से हाइड्रोजन आयन को जनरेट करता है, एकदम सही है ये। दूसरा कह रहा है इनऑर्गेनिक मटीरियल में, बिल्कुल इनऑर्गेनिक मटीरियल में सबस्ट्रेट में ये यूज नहीं होता क्योंकि बैक्टीरिया हमेशा ऑर्गेनिक मटीरियल पर ग्रो करता है। तीसरा कह रहा है कि हम किसी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के अंदर भी हम सस्टेनेबल एंड मेथड से फ्यूल सेल जनरेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में भी ऑर्गेनिक वेस्ट होता है और ऑर्गेनिक वेस्ट में बैक्टीरिया एक्टिव होता है। तो यानी यहाँ पर पहला और तीसरा स्टेटमेंट पूरी तरह से सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल जो होते हैं दोस्तों, जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो व्हीकल अभी आ रहे हैं, अभी 2-3 साल पहले प्रगति मैदान में भी सरकार ने एक एक्सपो लाया था गवर्नमेंट ने, जहां पे ये चीजें बताई गई थी। फिलहाल हाइड्रोजन फ्यूल में जो हाइड्रोजन का सोर्स होता है वो वाटर वाटर होता है। जट्रोफा पे भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है 2010 में कि जट्रोफा कर्कश जो है और पेंजोमिया के बारे में है ना, गुड ऑप्शन है इंडिया में बायोडीजल के लिए, उसके बारे में पूछ रहा है। पेंजोमिया पिन्नाटा ग्रो नेचुरली इन मोस्ट ऑफ द एरी रीजन, एकदम ठीक है, सूखी एरियाज में ये ग्रो करता है। और दूसरा कह रहा है पेंजोमिया पिन्नाटा जो होता है लिपिड कंटेंट से रिच होता है, इनमें हाफ इज द ओलिक एसिड, ये पूरी तरह से सही है, तो इसीलिए इसको हम ट्रांस एस्टरीफिकेशन करके बायोडीजल में कन्वर्ट कर लेते हैं। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा फोर एनर्जी क्राप दिए हैं, कौन सा ऐसा जो एथेनॉल प्रोडक्शन में किया जाता है। दोस्तों शुगर केन और मिथेन ऐसे प्लांट होते हैं जिनका यूज यहां किया जाता है। ओके आगे के जो क्वेश्चंस हैं जो यूपीएससी ने पूछे हैं वो चैप्टर 5 से पूछे गए हैं, जो मेरी बुक में दिए हुए हैं, फाइन। और उस चैप्टर का नाम है न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर फ्यूल, रेडियोएक्टिव एलिमेंट एंड रेडियो एक्टिविटी। तो इन पे बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है इंडिया में, इंडिया एक इंपॉर्टेंट मेंबर है इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर का, पूरी तरह से सही है। ये जो रिएक्टर है इसका काम 2006 में फाइनलाइज हुआ था, 7 ईटर मेंबर नेशन थे और उनमें से इंडिया भी एक था, ठीक है। यहाँ पे यूपीएससी पूछ रहा है कि ये जो रिएक्टर है ना, ये इंडिया के रिस्पेक्ट में या कैसे ये इसका एडवांटेजेस है। फिलहाल ये जो रिएक्टर है ये एक तरह से आर्टिफिशियल सन की तरह काम करेगा, क्योंकि जो सन में न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंट होते हैं उस तरह का एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पे भी करने वाले हैं। तो यहाँ पे पूरी तरह से पावर जनरेशन में ये काम करने वाला है, यानी अगर हम यहाँ पे सक्सेस हो जाते हैं छोटे लेवल पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की बात कर रहे हैं, तो मैसिव लेवल पे पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। और ये ऐसा 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 रिएक्टर है दोस्तों, यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंट जो हम यूज कर रहे हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंट पर्यावरण के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, ह्यूमन हेल्थ के लिए प्रॉब्लम नहीं है। जब आप न्यूक्लियर फिजन यूज करते हैं, यूरेनियम थोरियम यूज करते हैं, उससे बहुत सारे न्यूक्लियर वेस्ट बनते हैं, रिएक्टिव एलिमेंट बनते हैं, वो पर्यावरण के लिए और ह्यूमन के लिए नुकसान करते हैं, उनसे रेडिएशन होते हैं, फाइन। तो यहाँ पर कैन बिल्ड अ फ्यूजन रिएक्टर्स, तो ये चीज यहाँ पे सही होगी। और इस पर एक बार और भी क्वेश्चन आ चुका है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। यहाँ पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है कि थोरियम जो है वो यूरेनियम से कैसे बेहतर है, थोरियम का फ्यूचर क्या है, फाइन। तो एक तो कह रहा है कि थोरियम दुनिया में यूरेनियम से ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है दोस्तों, थोरियम ज्यादा है। फिर कह रहा है कि अगर थोरियम को देखें तो वो ज्यादा एनर्जी जनरेट करता है कंपेयर टू यूरेनियम, ये भी बात सही है। तीसरा कहते हैं कि थोरियम जो होता है लेस हार्मफुल होता है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर वेस्ट जो होते हैं उनको आसानी से रिसाइकिल कर सकते हैं। तो इन तीनों एस्पेक्ट में देखो तो तीनों चीजें सही लिखी हैं, और इसी वजह से मैं बोलूं तो यहाँ 1, 2, 3 तीनों स्टेटमेंट सही होगा। और भारत के रिस्पेक्ट में ये बहुत ही बड़ी अच्छी बात है। अब आप बोलोगे कि सर भारत में तो ऑलरेडी थोरियम इतना ज्यादा है, फिर भी हम बाद में दूसरे कंट्री से एनएसजी के मेंबर बनने की बात कर रहे हैं और चीजों की बात कर रहे हैं। दोस्तों अभी टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेशन की इशू है, यानी हमने उनसे डेवलप टेक्नोलॉजी अभी अच्छी विकसित नहीं की है, उनसे विकसित होने वाली, फ्यूचर में जब इन टेक्नोलॉजीज को और विकसित करेंगे तो और एडवांस हो जाएंगे। देखो ना ये क्वेश्चन एफबीआर वाला जो क्वेश्चन है, फास्ट बीडर रिएक्टर वाला, 2017 के मेंस में इसीलिए पूछा है क्योंकि इंडिया में फास्ट बीडर रिएक्टर का स्कोप अच्छा है, रीजन इंडिया में थोरियम बहुत ज्यादा है। ओके दोस्तों, तो ये क्वेश्चंस भी इस किसी न किसी तरह से देखो मेंस में कनेक्ट हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हैवी वाटर को जो न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज किए जाते हैं उसका काम क्या होता है। देखो दोस्तों, जब भाभा थे तो भाभा ने जब 3-स्टेज न्यूक्लियर एनर्जी डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया था तो उन्होंने कहा था कि हैवी वाटर को एज अ मॉडरेटर भी यूज कर सकते हैं और एज अ कूलेंट भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अब इसी वजह से काफी ऐसे आंसर सोल्यूशन है जिन्होंने उसको कूलेंट के फॉर्म में टिक मारा। लेकिन आप याद रखिएगा हैवी वाटर, ग्रेफाइट, ये सब एक अच्छे अच्छे मॉडरेटर है, और मॉडरेटर वो होते हैं जो न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो कर देते हैं। क्योंकि जब मैंने न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन पढ़ाया है अपने वीडियो में, अपनी बुक में बताया, तो मैंने कहा यूरेनियम को तोड़ने के लिए जो न्यूट्रॉन आता है वो स्लो स्पीड में आता है तोड़ने के लिए। लेकिन जब यूरेनियम को तोड़ने के बाद जब बेरियम, क्रिप्टॉन और इसके बाद जो न्यूट्रॉन निकलते हैं और प्लस एनर्जी निकलती है, ये न्यूट्रॉन की स्पीड बहुत फास्ट हो जाती है। तो अगली बार ये न्यूट्रॉन फास्ट स्पीड से अगला यूरेनियम नहीं टूटेगा, तो फास्ट स्पीड से दूसरे यूरेनियम को तोड़ने के लिए यहां पर कुछ ऐसे मॉडरेटर होते हैं जैसे बोरॉन होता है,
जैसे कैडमियम होता है, सॉरी 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 सॉरी, ये तो कंट्रोल ऑर्डर है, सॉरी, ये जैसे ये होता है, हैवी वाटर होता है, जैसे ग्रेफाइट होता है, ये क्या करते हैं, इनकी 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 जो स्पीड होती है ना, उसको स्लो कर देते हैं। तो यही पे सही आंसर होगा, स्लो डाउन द स्पीड ऑफ, कभी भी इसको कूलेंट नहीं मारेंगे। आप नेट पर भी जाएंगे तो कई जगह आपको कूलेंट आंसर मिलेगा। इवन कुछ ऐसे सोल्यूशंस हैं, मैं उन सोल्यूशंस को नहीं बोलूंगा, मार्केट में अवेलेबल है, उन्होंने कूलेंट लिखे पूरी तरह से गलत है, क्योंकि भाभा ने बोला था। लेकिन आज के रिस्पेक्ट में आप बात कीजिए ना, पिछले 5-7 साल से, 10 साल से क्या हो रहा है, एक मॉडरेटर है। दूसरा क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है कि इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, जो अभी हम बात कर रहे थे न्यूक्लियर फ्यूजन पैक्स बेस है, ये कहाँ सेटअप हो रहा है। तो ये सदर्न फ्रांस में एक जगह है दोस्तों, उसको बोलते हैं कैडरेक, CADARACH, यहाँ पर ये बन रहा है। फाइन, 2016 में बनना था, लेकिन अभी ये चीज आगे एक्सटेंड हो गई है, 2019 तक की बात हो रही है, लेट अस सी जब 19 में शुरू होगा। आगे जो टॉपिक है दोस्तों, वो यूनिट 2 में दिया हुआ है, चैप्टर 6 में, बुक में जो आप प्रेफर कर सकते हैं, और पेन ड्राइव कोर्सेज में भी लेक्चर आपको 6-7 में मिल जाएगा। नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज जो है एनर्जी जनरेशन से और उसके यूटिलाइजेशन से जो जुड़े हुए हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों आपको जानना है, जो 2017 में भी पूछा गया है, अबाउट न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट। न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट आपको बात करूँ तो ये करीब 99 के आसपास था करीब, और वहाँ पर तकरीबन दोस्तों यूएस इस चीज़ को लेकर आया था न्यूक्लियर एनर्जी के मिसयूज को रोकने के लिए। तो यहाँ कह रहा है कि यूनाइटेड नेशन के एजिस में आया है, तो ये चीज़ गलत है। दूसरा कह रहा है कि यहाँ इंटरनेशनल पैनल ऑफ फिसाइल मटीरियल है, जो एक ऑर्गन है जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के लिए यहाँ पे काम करे, ये भी गलत है। ये यूएस का अपना इंडिपेंडेंट है, और यहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज साथ में बुलाकर और न्यूक्लियर के मिसयूज को रोकने की बात हुई थी, तो यहाँ पे कहीं पे आईएईए वगैरह का यहाँ कोई रोल है नहीं। फाइन, यहाँ पे नाइदर वन नॉट टू सही होगा। न्यू स्टार्ट पॉलिसी के बारे में बता दूं, ये भी बहुत ही पॉपुलर रहा है 2011। देखो यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चन भी जो इश्यूज हैं आईआर के, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। गवर्नमेंट स्कीम के क्वेश्चन जो है यूपीएससी में, उदय, उजाला, उज्ज्वला, नेट मैटरिंग है ना, ये आपको क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है कि हमें सिर्फ टेक्नोलॉजी में टेक्निकल पार्ट ही नहीं पढ़ने, उनसे जुड़े सारी स्कीम्स भी पढ़नी। इसीलिए इन पेन ड्राइव कोर्सेज में और मेरी बुक में मैंने इसी तरह से चीजें दी हैं, जो कि यूपीएससी के आज के हिसाब से डिमांड है। मैंने क्या देखा हूं, जब आप पढ़ते हैं दोस्तों, तो आप टेक्निकल पार्ट पे ही चले जाते हैं, या टेक्निकल पार्ट आप छोड़ के चले जाते हैं। आज यूपीएससी कहता है ऐसे नहीं, आज यूपीएससी कहता है आप सारी चीजों को मर्ज करके पढ़े। स्टार्ट पॉलिसी जो थी दोस्तों, इसको बोलते हैं स्ट्रेटजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी। ये जो स्टार्ट पॉलिसी थी, ये यूएस और रशिया के बीच लाई गई थी आर्म रिडक्शन के लिए। इसको मैंने पढ़ाया भी है MT to MW के कॉन्सेप्ट में, जिसको हम बोलते हैं मेगा टन से मेगावाट। जो यूएस है वो अपना यूरेनियम देता है रशिया को, रशिया उस यूरेनियम के एनरिचमेंट को कम करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में यूज करता है, और उसके बदले में रशिया यूएस को कुछ दे देता है। इस तरह से दुनिया में क्या होता है कि रशिया अपने न्यूक्लियर बम को कम कर देता है। फाइन, दुनिया को एक मैसेज चला जाता है कि हम न्यूक्लियर वारहेड और इस तरह की चीजों को नहीं चाहते। फाइन, तो एक यूएस और रशिया के बीच का एक कोलैबोरेशन है, बायलेटरल स्ट्रेटजी न्यूक्लियर आर्म है, रिडक्शन है यूएस और रशिया के बीच में, बात सही है, अक्सर न्यूज में रहता है कभी ना कभी दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है, अभी आपने सुना ही होगा, इंडिया वेस्टर्न अरेंजमेंट और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप दोनों का मेंबर हो गया है, और ये वीडियोज हमारे जो करंट अफेयर्स के सेशंस में है, आप देखो तो हमारे जो फैकल्टीज हैं उन्होंने इस चीज को ढंग से इसको डिस्क्राइब किया है। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप एक इनफॉर्मल अरेंजमेंट है, ठीक है, पूरी तरह सही है, और इसका एम है कि एक्सपोर्टिंग कंट्रीज को जो मिनिमाइज करते हैं रिस्क ऑफ असिस्टिंग केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन प्रोलिफरेशन, ठीक है। अच्छा, इस तरह से मतलब बायोलॉजिकल वेपन और केमिकल वेपन्स को रोकने की बात करें, और यहाँ पे कह रहे हैं वेस्टर्न अरेंजमेंट जो है एक फॉर्मल ग्रुप है जो कि OECD होल्डिंग आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, ना 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 ना, बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट के लिए ये नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे कंट्री, ऐसा कहते हैं 41-42 कंट्री हैं जो स्टेट्स हैं जिसके साथ मेंबर हैं, OECD के नहीं, एकदम पूरी तरह से गलत है। पहला स्टेटमेंट अगर सही भी है तो दूसरा गलत होने की वजह से पूरा का पूरा स्टेटमेंट ये गलत हो जाता है दोस्तों। दूसरा पार्ट कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ग्रुप जो कंप्राइजेस है प्रेडोमिनेंटली वो एशियन, अफ्रीकन और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज के लिए, एकदम गलत है। इसमें बहुत सारे कंट्रीज हैं, सिर्फ यही कंट्रीज नहीं है। अब आप खुद देखो, इंडिया भी यहां पर मेंबर हो गया, इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए। अगर वहां के लिए होता तो क्या इंडिया का भी इसका मेंबर हो पाता, नहीं। जबकि मेंबर जो, अब आगे पढ़ने की बात ही नहीं है लेकिन फिर भी मैं पढ़ देता हूं, मेंबर कंट्रीज जो वेस्टर्न अरेंजमेंट के हैं प्रीडोमिनेंटली यूरोपियन यूनियन, ये भी पूरी तरह से गलत है। हाँ, ये कह सकते हैं प्रीडोमिनेंटली यूरोपियन अमेरिकन, ऐसा भी नहीं है वेस्टर्न अरेंजमेंट में दोस्तों, है ना, थोड़ा डोमिनेंट मान सकता हूं लेकिन पूरी तरह से डोमिनेंट नहीं है। तो ठीक है, प्रीडोमिनेंट में ये चीज चल जाएगी, लेकिन ऊपर का स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत हो गया, यानी यहां पर नाइदर वन और नॉर टू दोस्तों। तो यहाँ पे ये वो क्वेश्चन है, 26 क्वेश्चन जो मैंने आपको दिखाया 2010 तक, जो यूपीएससी ने पूछा। आप खुद अंदाजा लगाओ दोस्तों, एनर्जी चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट हुआ। एक एनालिसिस करते हैं इन क्वेश्चंस को दिखाने के बाद कि 2011 से लेकर 2017 तक, यानी 7 साल हो गए, और 7 साल में अगर 26 क्वेश्चन पूछते हैं तो तकरीबन 3 से 4 क्वेश्चन का एवरेज बनता है, 3.5 क्वेश्चन।
इसका मतलब एनर्जी चैप्टर आपके पेपर के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से मैं जो मैसेज आपको देना चाह रहा था इसमें एक देखो इस डिस्कशन से दो फायदे हुए। ओके, एक तो ये हुआ एनर्जी में क्या पूछा जाता है, दूसरा ये समझ में आया कि एनर्जी में हमें सिर्फ बेसिक्स नहीं जानने हैं, उसके अप्लाइड ही नहीं जानने हैं, उसका करंट अफेयर्स ही नहीं जानना है, और प्लस उससे जुड़े हुए जितनी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनको भी जानना है। ये फायदा होता है दोस्तों पेपर देखने से, क्योंकि आप में से काफी लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा ना कि सर आप करंट अफेयर्स सेशन में करंट अफेयर्स क्यों नहीं शुरू करें। कर रहा हूं दोस्तों, कर रहा हूं, पूरे 3.5 महीने मैं आपके साथ हूं, हर 2-3 दिन के बाद मैं कुछ ना कुछ वीडियोस के साथ आने वाला हूं, और फिर मैं आपको कहता हूं अगर कोई कमी है प्रिपरेशन में आप इन बुक्स को देखते जाएं, मटेरियल्स को देखते जाएं, यहां आप करंट अफेयर्स मुझे फॉलो करते जाएं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है जो मैं आपको आज देने जा रहा हूं, क्योंकि कोशिश करूंगा, यहां पे बिल्कुल आप नाराज ना हो, मैं कोशिश करूंगा कि आपके आंसर दिए जाएं, लेकिन आप मेरी भी थोड़ा समझिएगा दोस्तों, क्योंकि मुझे वीडियोज बनाने हैं, मुझे दिन भर क्लास लेनी है, लेकिन कोशिश करूंगा जो जनरल क्वेश्चन होंगे उनके आंसर्स मैं देने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं आपको देता हूं व्हाट्सएप नंबर। लास्ट में आपको बता दूं, काफी लोगों ने पहले वीडियोज के बाद मुझे बहुत मैसेजेस आए हैं, फाइन, मेरे वीडियोज में भी नीचे मैं वीडियोज देखता रहता हूं, वहां पे काफी अच्छे कमेंट्स भी होते हैं, उसके लिए थैंक यू। काफी कमेंट जो होते हैं थोड़े अच्छे भी होते हैं, खराब कमेंट तो मैं किसी को मानता नहीं, क्योंकि वो इसलिए भी अच्छे हैं अगर कुछ थोड़े अच्छे थोड़े मतलब उससे अच्छे से थोड़े नीचे वाले जो हैं वो भी अच्छे हैं, क्योंकि उनसे मेरा इंप्रूवमेंट होता है, और जहां भी इंप्रूवमेंट हो जाए वो अच्छी बात है। आप ऐसे ही मुझे साथ देते रहें दोस्तों, मैं अपनी एनर्जी आपके साथ, अपनी ऊर्जा जो भी है आपके साथ, पूरी एनर्जी के साथ आऊंगा, पूरी ईमानदारी से कोशिश करूंगा, जैसे कि आप मुझे प्यार करते हैं उस तरह मैं भी पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। यहाँ पे साइंस डे का एनवायरमेंट की साइंस डे के जो भी बुक्स हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, जो काफी लोगों ने पूछा है इसलिए मैंने ओपनली लिख दिया, अमेजन फ्लिपकार्ट अवेलेबल है, आप मेरे नाम के साथ इसको जाइए, इसको लीजिए, सारे क्वेश्चन देखिए इन चैप्टर के साथ लिखे हुए हैं। ऑनलाइन क्लासेस स्टडी आईक्यू पे अवेलेबल है मेरी क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप एंड्रॉइड आईएएस में जा सकते हैं। एंड्रॉइड आईएएस में मैं एक सेशन भी चलाने जा रहा हूं जो मार्च में 100 बच्चों के लिए चला रहा हूं, जहां पे बहुत ही कम फीस पे मैं पहले 100 बच्चों के एडमिशन करा रहा हूं, जहां पे पूरे बेसिक्स और करंट अफेयर्स के डिस्कशन करने वाला हूं। फिलहाल बेसिक्स के लिए आप एंड्रॉइड पे जा सकते हैं, करंट अफेयर्स के लिए भी आ सकते हैं, और अगर ऑफलाइन मेरे साथ अगर सामने आना चाहते हैं तो आप यहां पे मुझे मिल सकते हैं। ये ओल्ड राजेंद्र नगर में इंग्लिश मीडियम में क्लास चलने वाली है, और मुखर्जी नगर में हिंदी माध्यम में चलने वाली है, जहां पहले 100 बच्चों के एडमिशन बहुत ही कम, शायद 5,000 के आसपास ही मैं एडमिशन लेने वाला हूं, जबकि मेरी फीस तकरीबन काफी है। फाइन, कोशिश कर रहा हूं कि मैं काफी से काफी ज्यादा लोगों से जुड़ सकूं। ये वो नंबर है जहां अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं ऑफलाइन क्लासेस के लिए तो आप बात कर सकते हैं, और मुझसे डिस्कशन वगैरह करने के लिए अगर जन्मिन हुआ, कोशिश करूंगा कि मैं आपको आपके आंसर दे पाऊं, तो आप इन नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9911809808। मैसेज ना आए तो इसको कभी भी अपने पर मत ले जाइएगा दोस्तों, क्योंकि थोड़ा मैंने देखा कि आप कम उससे दुश्मनी कर लेते हैं, मुझे खुद ही पता नहीं चलता अगर आपको रिप्लाई नहीं करता हूं। फिलहाल अगर मुझे आपसे दुश्मनी करनी होती तो मैं यहां क्यों आता दोस्तों। फिलहाल थैंक यू एवरीबॉडी मुझे सुनने के लिए, आपका प्यार देने के लिए, और कोशिश करता हूं मेरी ऊर्जा एनर्जी हमेशा बढ़ाते रहें हमारे टीम के साथ, स्टडी आईक्यू के साथ। आप इसी तरह से प्यार देते रहें, आपका लगाव, आपकी कमेंट्स और आपके सजेशंस हमें बहुत जरूरी है, आप हमें देते रहें, और हाँ आप कमियां भी बताएं, अगर अच्छाइयां भी बताएं तो कमियां भी बताएं, क्योंकि दोनों जरूरी होती, दोनों के बेसिस पे हम पारी पूरी टीम स्टडी आई क्योंकि आपके लिए कोशिश कर रही है। आप एंड्रॉइड कोर्सेज पे जाएं, बुक्स को देखें, और अगले वीडियोस में दोस्तों हम Series-3 पर आते हैं, यहां मैं आपकी आंख खोलने वाला हूं स्पेस टेक्नोलॉजी में। सो खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनी हेल्थ बिल्कुल खराब मत कीजिए, UPSC एक अच्छा जॉब आपका वेट कर रहा है, याद रखिएगा हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, हेल्थ के साथ कंप्रोमाइज नहीं। मानता हूँ इस समय आप प्रेशर में हैं, ये भी दोस्तों एक तरह का एक बहुत ही मतलब एक ऐसा फेज है जहाँ मैं फील कर सकता हूँ आप बहुत प्रेशर में हैं, हो सकता है बहुत गुस्से में हो। आप कोशिश कीजिए शांत रहने की, हिम्मत बढ़ाने की, मम्मा पापा से खूब बात कीजिए, ऐसे लोगों से मिले जो आपकी एनर्जी बढ़ाते हैं। बिल्कुल निगेटिव मत सोचिए, क्या होगा क्या नहीं होगा भूल जाइए, सब अच्छा होगा। ओके, ऑल द बेस्ट, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।